अभी सर बोल रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम आई हुई है, तो सिक्योरिटी वही चर्च बनी थी 1850 के करीब, तो उसके पीछे कब्रिस्तान बना हुआ है अंग्रेजों के टाइम का। गाइस ये अपना आज का रूम, मतलब गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम धर्मशाला। सो आई होप यू आर डूइंग गुड, सभी ठीक हो और एंजॉय कर रहे हो ब्लॉग्स को। तो अभी मैं जा रहा हूँ धर्मशाला, कांगड़ा से मैं निकल गया था सुबह 8 बजे। रात को बहुत अच्छी नींद आई, पर एक सीन हो गया था रात को। रात को क्या हुआ कि ना पार्किंग में एक शराबी घुसा आया था, उसने शराब पी हुई थी, बहुत जोर जोर से रो रहा था। एक बार तो मैं बहुत डर गया था, जान निकल गई थी। जब मैंने देखा कि यार ये शराबी है और है तो आदमी, तो ये आत्मा वात्मा नहीं है, तो फिर मैं आराम से सो गया। मैं कहा देखी जाएगी यार जो होगा। अब मैं जा रहा हूँ धर्मशाला, और धर्मशाला में है एक क्रिकेट जो है स्टेडियम, बहुत ही फेमस है, वो मैंने देखना है, वो देखूंगा जाके। वो सामने ना एक बड़ा स्वीट सा मंकी बैठा हुआ है, और मेरे पास ना कुछ बिस्किट्स पड़े हैं, देखते हैं खाता है कि नहीं। अभी उसको बुला तो रहा हूँ पर आ नहीं रहा, शायद इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा है रोड पे। देखते हैं, खा तो रहा है, हाँ ले लिया उसने, इसलिए नहीं आ रहा था। इंटरेस्टिंग, देखो रास्ते में रिजॉर्ट आता है वंडर वर्ल्ड, तो कुछ ऐसा बना हुआ और वहाँ पे ना एक्टिविटीज़ बनी हुई हैं एंजॉय करने के लिए। ये देखो नीचे भी है, नदी के पास भी है, और यहाँ से जाना पड़ेगा अगर आपको इस रिजॉर्ट में जाना है तो। ये मतलब वायर लगी हुई है और वो रास्ते में ट्रॉली खड़ी हुई है, इससे जाना पड़ेगा। बाकी वो देख सकते हैं आप, झूले लगे हुए हैं। तो ये रिजॉर्ट है, यहाँ पे आप रुक सकते हो आके। और हाँ, ये कांगड़ा और धर्मशाला रोड पे है। तो गाइस मैं आ गया हूँ धर्मशाला, जो स्टेडियम है वहाँ पे। तो आप देखो स्टेडियम तो पूरा कवर है इस टाइम, क्योंकि 22 तारीख को इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का आई थिंक मैच चलना है, तो वो यहीं पे होना है। तो अभी मैच चल भी रहे हैं कई, तो इसलिए अभी तो बहुत मुश्किल है अंदर जाना। बाकी मैं बात करता हूँ जाके, शायद कुछ हो सके, अगर हो गया तो अंदर से दिखा दूँगा, अदरवाइज़ तो फिर आपको पता ही है क्रिकेट का मैच है, तो अंदर जाना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बाकी यार ये है व्यू, ओ वाओ, बहुत ही ज़बरदस्त है यार, इसीलिए ना ये स्टेडियम काफ़ी फेमस है। वो देखो क्या बात है यार, ऊपर बादल हैं, बादलों से भी ऊपर है पहाड़, बादल ना मतलब रुके हुए हैं वहाँ पे, आगे नहीं जा रहे। बाकी आगे आपको जाके दिखाता हूँ, शायद कुछ हो जाए। ये देखो गेट लग रहे हैं, ये गेट नंबर 1, मशीन लगी हुई है आगे, पूछते हैं। अभी सर बोल रहे हैं कि बांग्लादेश की टीम आई हुई है, तो सिक्योरिटी पर्पज से एंट्री नहीं है किसी की भी, तो वो प्रैक्टिस कर रहे हैं अंदर, तो उस वजह से ये तो नहीं देखा जाएगा। बट कोई बात नहीं, कभी और सही देखेंगे ज़रूर, चलो चलते हैं। इन स्टेडियम के बिल्कुल सामने ही आई थिंक एक स्कूल बना हुआ है, और उसका ये स्टेडियम है, काफ़ी सुंदर है। सो गाइस यही है वो रीज़न जिसके कारण मैं अगेन एंड अगेन हिमाचल में आना चाहता हूँ। इसकी खूबसूरती, इसका नेचर, और धर्मशाला की तो बात ही अलग है। बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू, रोड्स, गाइस मैं आ गया हूँ मैक्लोडगंज। वैसे तो जाना था कांगड़ा वैली, पर इधर आ गया, ये भी देखना था। तो अभी ये ना चर्च है, मैंने पहले भी दिखाई हुई है, काफ़ी फेमस है, तो ये दिखाते हैं आपको। तो इसकी वीडियो मेरे चैनल पे पहले है, बट उस बार अंदर नहीं गए थे, इस बार अंदर जाने की कोशिश करेंगे। तो अंदर तो फोटोग्राफी करना बिल्कुल ही अलाउड नहीं था, पर यार शांति बहुत मिली। मैं 10 मिनट कम से कम बैठा रहा अंदर,
और उन्होंने ना मेरे को ये एक बुक दी है, वो बोले ये फ्री है, तो मैंने ये ले ली अपने एक दोस्त के लिए, तो उसको दूंगा जाके। अभी फोटोशूट चल रहा है पीछे, बाकी आपने देखा हुआ है वीडियो में, तो उसके पीछे कब्रिस्तान बना हुआ है अंग्रेजों के टाइम का। वो पीछे सारा का सारा कब्रिस्तान है, उस तरफ तो नहीं जाएंगे, पहले मैं गया हुआ हूँ, तभी चलते हैं वापस। तो ये चर्च बनी थी 1850 के करीब, तो बहुत ही फेमस है और बहुत सुकून मिलता है यहाँ से आके, इसलिए मैं आया था। तो बस ये है मकलोडगंज के नज़दीक एक चर्च जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल बनी हुई है, और जो 1905 में भूकंप आया था यहाँ पे, तो उससे भी इसको कुछ नहीं हुआ था, इतनी मजबूत बनी हुई है। ये बनी थी 1850 के करीब, बाकी यहाँ अंदर सारा कुछ लिखा हुआ है, और अंदर ये ना ये बुक्स दे रहे हैं, तो आप फ्री में ये ले सकते हो अंदर जाके और इसको पढ़ सकते हो। तो मकलोडगंज से ये 2 से 3 किलोमीटर दूरी है, काफ़ी ब्यूटीफुल जगह है, आप आ सकते हो।